मध्य प्रदेश के खरगोन में नकाबपोश बदमाशों ने 8वीं में पढ़ने वाले छात्र पर किया चाकू से हमला। बालक को उठाकर ले जाने का कर रहे थे प्रयास। शहर के अन्नपूर्णा नगर निवासी 8 वर्षीय छात्र लक्ष्य महाजन अपने दोस्त के पास कॉपी लेने चौहान की बाड़ी में गया। इस दौरान पीछे से दो नकाबपोश बदमाशों ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। छात्र लक्ष्य के हाथ पर चाकू लगने के बावजूद वो रुका नहीं और तेजी से बहादुरी पूर्वक घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही रोने लगा। खून से लथपथ हाथ देखकर उसकी माँ भी रोने लगी। आसपास के लोगों ने जब पूछा तो छात्र ने हमले की बात बताई। ये बात शहर में तेजी से फैली। कई लोग जिला अस्पताल पहुंच गए। जिला अस्पताल के हड्डी वार्ड में भारी भीड़ लग गई। इस दौरान TI LS डागुर सहित कई पुलिसकर्मी जिला अस्पताल पहुंचे। TI ने बहुत देर तक बच्चे से बातचीत की और हमलावरों का हुलिया पूछा। बाद में देर रात घायल लक्ष्य को घटना स्थल ले गए। पुलिस ने सभी रास्तों पर रात में ही नाकेबंदी कर दी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। अरे यार, साइकिल से तो पीछे से दो जना मोटरसाइकिल पे और उन्होंने को पीछे चाकू मारा हाथ में। सर सर सामने आके मुझे तो मेरे जल्दी साइकिल पलटा है और पीछे देखा कि वो सब तो मेरे पास ही आ रहे थे तो मैं जल्दी फिर घर आ गया। तो बताया था आप किस तरह का नकाब पहने हुए थे? हाँ, उनने मास्क भी पहना था। क्या नाम है? चौहान के वाले के पास उसके साथ घटना हुई। सामने पीछे से दो जने आए मोटरसाइकिल से, उसको हाथ में मारा हथियार से। सामने गाड़ी खड़ी पड़ी और इसको पकड़ने के लिए आ रहे थे, तब तक ही साइकिल से भाग के घर आया और घर आके उसने उनको पूरा बताया कि मम्मी मेरे को पकड़ने वाले आ रहे थे, मुंह पे बंधा हुआ था मास्क और रोने लगा, खूब रोने लगा। तो हम भी फिर रोने लगे और उसको वैसे ही बड़े पापा को बाजी भैया लोग अस्पताल लेके आए। लक्ष्य महाजन नाम का बच्चा है, आदित्य विद्याभियान में 8वीं कक्षा में पढ़ता है। अन्नपूर्णा सनावत रोड पर इसका मकान है, वहाँ से अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था। बच्चे के द्वारा बताया गया कि वो साइकिल से जा रहा था, इतनी बाजू से कोई दो मोटरसाइकिल वाले आए जिनको ये देख नहीं पाया ढंग से और उन्होंने इस पर किसी धारदार चीज़ से इसके बाजू में चोट पहुँची, इसको चोट आई है बाजू में, खून निकला और ये फिर साइकिल पलटा के वापस अपने घर आ गया। लेकिन इसने ये भी बताया कि उन्होंने इसका कोई पीछा वगैरह नहीं किया और हम बच्चे से पूरी जाँच पड़ताल कर रहे हैं और जल्दी इसका पता लगा। क्या आशंका लग रही है सर? अभी क्या कारण आते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। परिवार वालों से बात करें, बच्चे से बात करें। बच्चा कह रहा दो नकाबपोश लोग थे। बच्चे का ये कहना है कि उनका मुंह ढका हुआ था और वो उनको नहीं पहचान पाया, तो अभी सभी चीज़ों को हम देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम जल्दी पता करेंगे। बच्चे ने सर सहाय करने के बाद थोड़ी दूर जाकर रुके और पीछे पलट के देखा कि भागा तो बहुत भागा हुआ। चूँकि उनके पास बाइक थी, यदि वो पकड़ना चाहते तो पकड़ भी सकते थे, ये बच्चा बता रहा है। लेकिन वो तेज़ी से फिर वापस पलटा के निकल आया और वो उसको क्रॉस भी नहीं किया, वो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में निकल गया। परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे अपहरण की घटना का आरोप लगा। नहीं, अभी ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई, यदि आई तो बराबर वो कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।